काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सीखते हैं, तो काफ़ी केयरली करिए, काफ़ी स्लो करिए, ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखना और अप्लाई करना और लगाना दोनों ही सीख पाएँ, जिस पे मार्क्स मिलता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या प्रूफ करनी है? ज़ीरो प्रूफ करनी है। तो जैसा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की होती है कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएँ तब डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या होती है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम की सारी एंट्री अगर ज़ीरो हो जाए तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हम इसी वाली प्रॉपर्टी को अपीयर कराने की कोशिश करते हैं। सोचिए, क्या आप इस डिटरमिनेंट को यहाँ पे ज़ीरो 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 कर सकते हैं, ला सकते हैं यहाँ पे? इसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, ठीक है? तो जैसा कि अगर आप सोच पाए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज सोचिए कि अगर हम लोग C3 कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर दें C3 से C2 वाले एलिमेंट को भी सब्ट्रैक्ट कर दें और साथ में C1 वाले एलिमेंट को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा? मतलब A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो X बचेगा सिर्फ, और X आके फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ज़ीरो बचेगा। तो यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपकी जो LHS है ना, यहाँ LHS लेके चलेंगे, RHS तो लेके चलेंगे नहीं, है ना? तो LHS जो आपकी है वो क्या हो गई? ऐसी डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो चुकी है जिसका C3 कॉलम क्या है? इंटायरली ज़ीरो है। फिर यहाँ रीजन लिख देंगे सिंस, ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे, सिंस ऑल एंट्री ऑफ, ठीक है, ऑल एलिमेंट लिख दीजिए, एलिमेंट ऑफ C3 इज ज़ीरो, देयरफोर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑल्सो ज़ीरो, है ना? आप ये लिख दोगे, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू RHS, ठीक। सेकेंड, आप ये भी प्रॉपर्टी जानते हो कि कोई दो कॉलम अगर हम आइडेंटिकल बना लेते तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो बोल पाते, तो आप कमेंट करिएगा आपको क्या करना है, C1 और C3 कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, दूसरा, अगर आपको ये कर लेंगे तो इसके बाद और भी सोचिएगा कि हमें क्या करना है, C2 और C3 कॉलम आइडेंटिकल बनाना है, इसके लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है? दोनों के लिए आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है?